दिल्ली की आबकारी नीति मामले में गुरुवार देर रात ईडी ने बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ईडी ने उन्हें दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का करीबी बताया है। इसी मामले में सीबीआई के केस में दिनेश अरोड़ा गवाह भी हैं। दरअसल ईडी और सीबीआई दोनों इस केस की जांच कर रही है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईडी की एफआईआर के मुताबिक अरोड़ा ने एक्साइज पॉलिसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। साथ ही वे आप नेता विजय नायर के साथ मिलकर काम कर रहे थे। विजय नायर को ईडी ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है। दिनेश अरोड़ा दिल्ली के बड़े कारोबारी हैं और रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज में जुड़े हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी पहले भी दिनेश से पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इस बार की पूछताछ में वो अपने जवाब देने में टालम टोल कर रहे थे और जांच एजेंसी का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ईडी ने बताया कि उन्हें शुक्रवार को लेकर लोकल कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी ने मई में फाइल की अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जिक्र किया था कि दिनेश सिसोदिया के खास से वे एक अन्य बिजनेसमैन अमित अरोड़ा से पैसे लेकर सिसोदिया तक पहुंचाते थे। उन्हें अमित को फायदा पहुंचाने और शराब नीति में बदलाव करने के लिए सिसोदिया को करीब 2.2 करोड़ की घूस पहुंचाई थी। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली शराब नीति को लेकर ईडी और सीबीआई के मामलों में गुरुवार को एक साथ सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। 2 दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ऐसे ही बने रहिए राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।